क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सुपौल में आरजेडी नेता यदुवंश यादव के बिगड़े बोल, आरजेडी नेता ने की ब्राह्मण समाज पर विवादित टिप्पणी। नालंदा में एक दिवसीय दौरे पर प्रभारी मंत्री विजय चौधरी, भाजपा के प्रदर्शन पर भड़के विजय चौधरी। जाप नेता राजू दानवीर पहुंचे नालंदा के चिल्कीपुर गांव, सोमेश्वर धाम के प्रथम वर्षगांठ महोत्सव में लिया हिस्सा। भागलपुर में बाल श्रम से बच्चों को मिलेगी मुक्ति, बच्चों को मिलेगा उनका अधिकार। नवादा में हर्ष फायरिंग में हुई बुजुर्ग की मौत, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुख करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। राजद नेता और पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव के ब्राह्मणों के विरुद्ध बिगड़े बोल से ब्राह्मण समाज में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि इस बयान पर यदुवंश यादव माफी मांगे, नहीं तो वह लोग उनके विरुद्ध केस दर्ज करेंगे। सुपौल के निर्मली टाउन हॉल में कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यदुवंश यादव ने कहा था कि ब्राह्मण भारत देश के नहीं है, रूस से भागकर ये सभी भारत आए हैं और ये समाज ही हम सभी को बांटने और आपस में झगड़ा करवाने का काम कर रहा है। ये लोग हम सबके बीच फूट डालने का काम करते हैं। यदुवंश यादव के इस बयान के बाद ब्राह्मण समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उसके जो शीर्ष नेता है उन तक मैं मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ कि एक तरफ आप ए टू जेड पार्टी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनको आप जगह नहीं दे पा रहे हैं या उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और उल्टा पुल्टा बयानबाजी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस तरह का हम बयानबाजी करके अपना पार्टी में जगह बनाएं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यदुवंश यादव जी को ये बताना चाहूँगा कि आप चूँकि पिछले बार चुनाव हार गए थे तो आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी टाइम से अच्छी नहीं चल रही है, अपना इलाज कराइए और आपको इतिहास पढ़ने की। एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है, उसका डीएनए जब टेस्ट हुआ है तो ये यूरेशियन मूल का है, तो रशियन मूल का ये लोग है। यहाँ से आ करके हम लोगों को आपस में मिला करके, लड़ा करके, झगड़ा करके आप ये शासन सत्ता करने का काम कर रहा है और हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए जैसे। वहीं वित्त मंत्री, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग विजय चौधरी एक दिवसीय दौरे पर नालंदा जिला पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जदयू कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुनने का काम किया। वहीं सासाराम में बीजेपी के प्रदर्शन पर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ना तो किसी को फंसाती है और ना ही किसी को बचाने का काम करती है। अगर आज सासाराम की घटना में गिरफ्तार पूर्व विधायक निर्दोष हैं तो साक्ष्य के साथ अधिकारियों और सरकार को मिलकर जांच कराने का काम करना चाहिए था। विपक्ष अपने मन से किसी को निर्दोष कैसे साबित कर सकती है? सरकार की खासियत है और मुख्यमंत्री जी महागठबंधन के नेता के रूप में अनेक बार कह चुके हैं कि हम लोगों की सरकार न्याय में विश्वास रखती है और
न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। सही काम करने से उससे किन्हीं का पक्ष विपक्ष हो जाता है, तो उसको तो अपने अंदर झांकना चाहिए। वहीं जन अधिकार पार्टी के युवा नेता राजू दानवीर नालंदा के चिल्कीपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने श्री शिव शक्ति मंदिर सोमेश्वर धाम के प्रथम वर्षगांठ महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के युवा नेता ने बाबा बागेश्वर और महागठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि किसी भी महाराज या साधु संत को हमेशा राजनीति से दूर रहना चाहिए, उन्हें राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगली खबर नवादा से है, जहां हर्ष फायरिंग में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पूरी घटना नगर थाना क्षेत्र के गोंदापुर की है, जहां मृतक की पहचान बंगाल के मालदा के निवासी रूबी शेख के रूप में बताई जा रही है। हर्ष फायरिंग में मौत की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना हम लोग के पास फोन किया, कैसे ऐसा बात हुआ, गोली लगा, रोबू को गोली लग गया। तो कैसे गोली लग गया, कुछ शादी था यहाँ, हम आ गया 6 बजे, हम ट्रेन से उतरा के देखा कि हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में आके देखा अभी ख़त्म है लास्ट। इसके बाद बातचीत किया कि कैसे क्या हुआ, बोलता कि गोली लग गया। गोली कौन मारा, नाम पता नहीं है, अभी तक किसी को नहीं पकड़ाया। पूछा क्या हुआ, तो बोला शादी है घर में, शादी का लड़का ऐसे ऐसे हुआ। होने का बात क्या है, लेकिन उसी का जो हम लोग रूम में करिया रहता है ना, वही रूम में खाना। वहीं सहरसा के पुलिस सिवर क्षेत्र के गमहरिया पंचायत में रहने वाली एक महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही मृतक महिला के मायके वाले के यहाँ पहुंची और हत्या का आरोप लगाते हुए बैजनाथपुर पुलिस सिवर में केस दर्ज कराकर जांच कर कार्रवाई की मांग की। मृतक महिला के पिता ने बताया कि महिला के पति का अवैध संबंध किसी दूसरी लड़की से चल रहा था, जिसको लेकर महिला परेशान थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्कूल रेगुलर पहुंचाना था मेरा काम। अच्छा, खाना बनाने में उसको लेट हुआ और टाइम से हम उसको नहीं पहुंचा पाए, इसलिए उसको बोले कि खाना जो है अब बनाओ और उसके बाद तुम ही स्नान करवा दो और स्कूल तुम ही पहुंचा देना। इसी बात में आक्रोश हुई और उसके बाद जो है वो बोले कि हम मर जाएंगे। अच्छा, तो हम बोले कि जो बोली मर जाएंगे, आपका कौन है? मेरा पत्नी है। अच्छा, क्या नाम है उनका? ब्यूटी देवी। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार। थाना में आवेदन दिए हैं, किस लिए दिए? हजूर हमरा से 1,00,000 टका मांगे रहे। अच्छा, हजूर दसरा लड़की से वो फंसल रहे। के रहे फंसल? हमारे विनंदर जमा। अच्छा, यहाँ के जमा है जी। हाँ, और की बोले? 3 बेर पंचायत बैठेलिए। अच्छा, बोलिए थाना आवेदन दलिए। हाँ। थाना में ओकरा नान लगे समझे के कहते ऐसा काम नहीं होगा सर। अच्छा, फेन हे बका दलके हे हमरा बेटी के हे देखियो मार दलके। मार दलके। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। ब्रेक
के बाद स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। मुजफ्फरपुर में अपराधियों को किसी का डर नहीं रहा। आए दिन बदमाश अपराध की घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से भाग निकलते हैं। वही ताजा मामला सुरैया थाना के जैतपुर ओपी क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर पेट्रोल पंप में लूट की घटना को अंजाम दिया और आसानी से भाग निकले। बाइक सवार पहुंचे और तकरीबन 2 लाख रुपए की लूट कर ली। वहां सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन काउंटर का पैसा वो लेके चले। कितना रहता काउंटर में? करीब करीब 2 लाख रुपए करीब। अच्छा, बंद करके बैठते थे या खोल के बैठे हुए थे? नहीं, ये तो सटाया हुआ था। सटाया हुआ था बाहर का कुछ सटाया। अंदर आया था वो क्या लगा, कौन लोग आ रहा है, कोई नया आदमी है, कुछ लगा ऐसा? नहीं, अंदर झटके से वो आ गया, जब तक हम समझ पाते तब तक वो बंदूक हमको दिखा चुका। कितना बजे का घटना है ये? 11:30 बजे करीब। 11:35। सबके हाथ में हथियार था? जी, 2 आदमी के हाथ में हथियार था। बाहर में कितने लोगों ने की कर रहे थे? 3 आदमी बाहर में थे, 3 आदमी अंदर। इंटेंशन क्या लगा था? गोली भी मार देना था इंटेंशन? मान लीजिए थोड़ा थोड़ा करीब 1.5 लाख रुपये की लूट की बात बताई जा रही है। CCTV कैमरा का अवलोकन किया जा रहा है और DIO टीम और थाना की टीम दोनों मिल करके अनुसंधान कर रही है और हम विश्वास है कि जल्दी ही पकड़ा जाएगा अपराधी। अपराधी का सर तादाद क्या था और क्राइम टीम पर आप भी गए थे, क्या कुछ वहाँ पता चल रहा है? 3 से 4 की संख्या थे अपराधियों की और हम लोग पता कर रहे हैं और जल्द ही अपराधी गिरफ्त में होंगे। तो आपको बता दें, हथियार के बल पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप में लूट की, वहीं लाखों के पैसे उड़ाकर भाग गए बदमाश। मुजफ्फरपुर में इस समय बदमाशों को किसी का डर नहीं है। बेखौफ बदमाश पेट्रोल पंप में बेखौफी से पेट्रोल पंप में लूट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गया के एक चर्चित प्रॉपर्टी डीलर अरुण पासवान की हत्या मामले में 2 शूटर सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने मौके से देसी कट्टा और बाइक भी बरामद की है। पूरा मामला चंदौली थाना क्षेत्र का है, जहां अरुण पासवान को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसमें संलिप्त था तथा गया जिले में भी पूर्व में ये शराब के मामलों में भी जेल जा चुका था। इसके अलावा जो मोहम्मद अमनुल्लाह है वो इमामगंज थाना क्षेत्र में भी जो फायरिंग की घटना में पूर्व में शामिल रहा है। इस प्रकार से अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है अनुसंधान के क्रम में, उसमें 4 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम है मोहम्मद परवेज मंसूरी, शूटर मोहम्मद अमानुल्लाह, शूटर मोहम्मद सोनू कुरैसी और लाइनर मोहम्मद सहनसा। इसमें जो हम लोग को जानकारी मिली है कि मोहम्मद अमानुल्लाह के द्वारा एक गोली पहले मारी गई थी और उसके बाद मोहम्मद सोनू कुरैशी के द्वारा उसको 4 से 5 गोली और उसके बाद मारी गई थी। इस प्रकार से इस मामले में जो शूटर्स हैं और जो साजिश करता है उनसे। वहीं अगली खबर भागलपुर से है, जहां हर बच्चे को अधिकार, रोटी, खेल, पढ़ाई और प्यार इस स्लोगन को लेकर मानव दुर्व्यवहार पर हितधारकों के लिए भागलपुर के समाहरणालय समीक्षा भवन में भागलपुर बांका और नवगछिया श्रम विभाग और पुलिस विभाग का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार बांका, SP नवगछिया, SP के अलावा कई वरीय कारी इसके साथ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित रहे। वहीं SSP आनंद कुमार ने बताया कि बच्चों पर हो रहे अन्याय और जो भी बाल श्रम के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उस पर नकेल कसी जाएगी और पढ़ने लिखने वालों को, उम्र से काम करने वाले बच्चों को वैसे दुकानों, कारखानों और होटलों से मुक्त किया जाएगा। आयोजित किया गया बिहार सरकार का ये कार्यक्रम है, जिसमें वो लोग मदद कर रहे हैं, जिसमें कि श्रम विभाग के और पुलिस विभाग के जो पदाधिकारीगण हैं वो लोग इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें बच्चों के लिए जितने कानून बनाए गए हैं उसके विषय में जानकारी दी जा रही है और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए विशेष रूप से सेंसिटाइज किया जा रहा है पुलिस विभाग के लोगों को और श्रम विभाग के लोगों को, ताकि भविष्य में जो भी अभियान चलाएंगे उसको और ढाल मिलेगी।
खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां जानलेवा हमला करने और मारपीट के आरोपी सुधीर कुमार और शेख गुड्डू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में मुरली गांव निवासी अनवारुल हक ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अपने दिए गए आवेदन में अनवारुल हक ने बताया कि पिछले दिनों उसके घर बारात आई थी, जिसके ऑर्केस्ट्रा में कुछ युवकों ने मारपीट की। मारपीट में जख्मी लोगों का इलाज गोरखपुर कराया जा रहा है। वहीं पुलिस बाकी आरोपियों की जांच में जुटी है। बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।